हेलो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लेट्स स्टार्ट द टुडेज पार्ट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पैसेज इन द चाइनीज स्टोरी। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। देखिए, ये चैप्टर क्या था, दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द देर आर लिट शॉर्ट स्टोरीज हैं कुछ, जो कि किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, एशिया और चीनीज के जो यूरोप की जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है उसके बारे में। ठीक है, क्या कहते हैं आगे देखिए। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। कि भाई चाइनीज़ जो स्टोरीज होती हैं उसमें जो एम्परर होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, कमीशन ए पेंटिंग, एक पेंटिंग का चुनाव करता है, उसको सेलेक्ट करता है एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर ब्यूटी एंड ही कैन ओनली अप्रिशिएट्स ओनली अप्रीज द आउटर अपीयरेंस। जो उसका आउटर अपीयरेंस है, यानी कि जैसे उसको बाहर से दिखती है, सिर्फ उसकी वो अप्रिशिएशन करता है, उसकी तारीफ़ करता है। मीन्स उसको, उस राजा को उसकी डीप नॉलेज नहीं होती, ही डोंट नो कि जो पेंटिंग है उसके थ्रू जो पेंटर है वो क्या है शो करने की कोशिश कर रहा है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वही क्या करता है, रिवील करता है, बताता है उसका, उस वर्क का ट्रू मीनिंग, यानी कि उस पेंटिंग का रियल मतलब क्या है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कन्क्वर्ड। क्या कहता है कि जो भी कोई राजा होता है, जो कोई एम्परर होता है, वो उस टेरिटरी जो उसने कन्क्वर की है, जो जिसके ऊपर उसने जीत हासिल की है, वो उस राज्य के ऊपर राज कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन क्या कहता है कि सिर्फ एक आर्टिस्ट को ही पता है कि भाई जो वो आर्ट, जो भी वो कला है उसके पास, जिसको वो ड्रॉ कर रहा है, जिसको वो पेंट कर रहा है, उसका रियल मतलब क्या है। ठीक है, वे विद इन के मीन्स कि वो अपने अंदर क्या मीनिंग लिए हुए हैं। लेट मी शो द वे द डाओ। कि ये जो वर्ड्स बोले थे, जैसे दाउजी ने उसने क्या कहा था कि लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। ए वर्ड दैट मीन्स, ये शब्द क्या है जिनका मतलब क्या है, बोथ द पाथ और द मेथड। कि भाई क्या मतलब है, वो रास्ता भी और मेथड भी। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, एंड द मिस्टीरियस वर्क, कि ये जो हमारे इस यूनिवर्स का जो कुछ मिस्टीरियस बातें होती हैं, कुछ रहस्यमय जो काम होते हैं, उनके बारे में सिर्फ क्या है, सिर्फ कोई भी आर्टिस्ट ही समझ सकता है। द पेंटिंग इज़ गॉन। अब वो जो पेंटिंग जो वू डाउजी ने बनाई थी वो क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट का जो गोल था, जो मेन उसका मकसद था उस पेंट को ड्रॉ करने का, उस पेंटिंग को बनाने का, वो क्या कर चुका है, उस पर, उस गोल पर पहुंच चुका है। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीरियंस। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीरियंस का मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड से, इस मटीरियल वर्ल्ड से, इस जो ये हमारा संसार है, इससे वो दूर जा चुका था। ठीक है, ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मीट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। कि जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होते हैं ना, जो लैंडस्केप मीन्स जो नेचर के वो सीनरीज बनाते हैं, उनका रियल मतलब क्या नहीं होता, दे डो नॉट वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस एनी एक्चुअल व्यू। कोई रियल व्यू वो तैयार नहीं करते, मीन्स जैसी कि जैसे जो चीज़ दिखाई देती है उसको वैसा का वैसा वो लोग नहीं बनाते हैं। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। जैसा कि जो वेस्टर्न की जो पेंटिंग होती है उनमें क्या किया जाता है, वो नेचर को जैसा वो देखते हैं उसको एज इट इज़ वो ड्रॉ करते हैं। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सो इट। और जबकि यूरोपियन पेंटर क्या करते हैं, दे वॉन्ट टू बोरो देयर आइज, यूर आइज, कि मीन्स वो अपनी, आप लोगों की आँखों को बोरो करना चाहते हैं, यानी कि वो आपको वही दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने देखा है। मीन्स जैसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को देखने का, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उन्होंने उस चीज़ को ड्रॉ किया है, वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू आप लोगों को वैसा ही दिखाना चाहते हैं।
ए पर्टिकुलर लैंप एज ही सो इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो क्या नहीं करते, एक सिंगल व्यू पॉइंट क्रिएट नहीं करते हैं. कि मीन्स चाइनीज जो पेंटर हैं वो एक भी जैसे किसी ने पेंट ड्रॉ कर दिया उनका वही मतलब नहीं होता कि भाई जैसे मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ किया है तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको जिस तरीके से देखना है जिस चीज़ को समझना है आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं. उनके बहुत सारे व्यू पॉइंट होते हैं. क्या है ये हिज, हाँ हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. कि उसकी जो लैंडस्केप होता है उसका जो नेचर जो सीनरी होती है वो एक रियल नहीं होती. आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं कहीं से भी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं एंड देन ट्रेवल इन इट और उसका मीन्स उस चीज़ को फील कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड देन बैक अगेन इन लेजरसली मूवमेंट. कि भाई एक आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक ऐसा पाथ क्रिएट कर देता है. कैसा पाथ, कि भाई उसमें आप आपकी आइज़ के लिए कि आप जहाँ चाहें वहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, ऊपर नीचे ठीक है आगे पीछे जा सकते हैं और फिर से वापस से उसी एक लेज़र टाइम यानी कि एक फ्री मोमेंट के अंदर अपने आप को आप ला सकते हैं. क्या कहना चाह रहा है देखिए, कि भाई जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं ना वो उनका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं होता किसी भी पेंटिंग का. उनकी जो भी पेंटिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि भाई वो किसी भी पेंटिंग को आप अपनी तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं, अपने तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं. तो इतनी फ्रीली वो पेंट करते हैं. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू द मूव टू द अदर एट्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग. और क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट उन्होंने ऊपर अभी रखा है इसको वो किस और चीज़ से भी प्रूव करना चाहता है कि एक हॉरिजेंटल स्क्रोल एक यानी कि एक हॉरिजेंटल जो कागज़ में जो लिपटा हुआ हो वो क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा इस चीज़ में सच होते हैं, ट्रूथ होते हैं. कैसे, कि इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग. इसमें क्या होता है किसी पेंटिंग का कोई एक पार्ट ठीक है, जब उसका हम कोई भी एक वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग उसको ओपन धीरे धीरे हम ओपन करते हैं तो क्या होता है देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अदर. एक पार्ट जब खुलता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो पार्ट खुलकर दूसरे पार्ट के साथ मूव टू द ऑन द अदर के साथ जुड़ जाता है एंड एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग. और इस तरीके से क्या चलता चला जाता है, वो डायमेंशन ऑफ टाइम उसके अंदर ऐड होता चला जाता है ठीक है, कि जो कि किसी भी अदर पेंटिंग्स के अंदर अननोन है यानी कि जिसको भाई हम जाना पहचाना नहीं होता यानी कि किसी और दूसरी पेंटिंग्स में ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती यानी कि एक चीज़ को वो दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. इसके अंदर क्या भी ज़रूरत होती है, जो भी व्यूअर है यानी कि जो देखने वाला है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन वो लोग चाहते हैं यानी कि जब भी कोई पेंटिंग को देखे तो वो एक्टिवली उस चीज़ को ऑब्जर्व करे ठीक है. हु डिसाइड्स एट वट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग. और जो देखने वाला होता है वही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वो इस पेंटिंग को ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग यानी कि इस पेंटिंग को किस एंगल से देखना चाहता है, किस एंगल से वो देखेगा, उसका क्या मीनिंग वो लेगा. ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. और कैसा पार्टिशन होता है, वो पार्टिसिपेशन होता है भाई वो फिजिकली भी और मेंटली भी यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं यानी कि देखना क्या होगा, एक मेंटल एक्टिविटी होगा, बट फिजिकल क्या मीन्स कि उसके अंदर आप उनके हाथ वगैरह भी चलाना, ऐसा पार्टिसिपेशन होता है वो. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज. लेकिन चाइनीज पेंटर क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि भाई वो अपनी आप लोगों की आइज़ को बोरो नहीं करते. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड.
ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो क्या चाहता है कि आप लोग उसके दिमाग में एंटर करें, यानी कि आप लोग एक पेंटर के दिमाग से सोचें कि भाई उसने ऐसे क्या ड्रॉ किया है, वो ड्रॉ इस पेंटिंग के थ्रू वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप जो होता है, यानी कि जो नेचुरल सीन जो होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक सीन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्पिरिचुअल इज़ एन इनर वन, वो अंदर के सीन होते हैं, यानी कि हम बाय हार्ट जिनको हम फील कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है। और कॉन्सेप्चुअल स्पेस मीन्स होता है दैट इज़ रिलेटेड टू अवर, जिसको हम कहते हैं हमारे मन, सोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शांसुई, कहता है कि ये जो पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस चीज़ के द्वारा शो किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, एक शांसुई के द्वारा इसको शो किया गया है, और जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। ठीक है, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो कि मिलकर कौन सा वर्ड लैंडस्केप बनाता है। ठीक है, यानी कि एक लैंडस्केप के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दोज रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। कि मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यानी कि किसी भी इमेज के, किसी भी तस्वीर के, किसी भी पिक्चर के दो पार्ट्स, दो एलिमेंट्री, दो एलिमेंट, और वो भी कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होता है, कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, जिनको एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, जो कि किसी चीज़ के डोइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस यूनिवर्स का जो डोइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि द माउंटेन इज़ यंग, कि जो माउंटेन है उसको यंग की उपाधि दी गई है। एंड रीचिंग वर्टिकुलरी, जो कि क्या कर रहे हैं, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स एंड हेवन, जो कि हेवन की तरफ वर्टिकली खड़े हैं, जा रहे हैं। स्टेबल हैं, वॉर्म हैं एंड ड्राई इन द सन है, वाइल द वाटर इज़ यिन, और वो जो पानी है उसको इन की उपाधि दी गई है। पानी कैसा है, हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ है, हॉरिजेंटल है और अर्थ पर रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड है, मॉइस्ट एंड कूल है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन एंड द रिसिप्टिव फेमेनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डोइज्म। कि भाई जो इंट्रैक्शन ऑफ यिन है कि जो यिन का बताया, इन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, कि वो किस चीज़ को है, रिसेप्टिव ऑफ फेमाइन, यानी कि जो हमारा स्त्री, फेमाइन क्या तो है, फीमेल पार्ट है, उसको यूनिवर्सल एनर्जी के फीमेल पार्ट को शो कर रहा है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और जो उसका काउंटर पार्ट है, यानी कि जो उसका सेकंड पार्ट है यंग, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा माउंटेन के लिए है, वो क्या है, एक्टिव और मस्कुलाइन, यानी कि वो फीमेल पार्ट को हमारा शो करता है। और इन दोनों का जो रिलेशन है इज़ ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डोइज्म। इन दोनों को किस चीज़ के साथ जोड़ा गया है, फंडामेंटल नोशन ऑफ डोइज्म के साथ इन दोनों को जोड़ा गया। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। और क्या कहता है कि काफ़ी बार जिस चीज़ को ओवरलुक्ड मीन्स होता है, जिस चीज़ को इग्नोर किया गया है, वो क्या है, जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट क्या है, द मिडल वर्ल्ड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। वो पार्ट जहाँ पर इन दोनों पार्ट का क्या होता है, इंट्रैक्शन होती है, यानी कि यहाँ जहाँ पर ये दोनों पार्ट मिलते हैं आपस में। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रेथ इन रिटेन एंड ब्रेथ आउट। और क्या कहता है कि इस चीज़ को
किस चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, किस चीज़ के साथ इस चीज़ की तुलना की जा सकती है, वो प्राणायाम के साथ, योगासन के साथ इसकी जो तुलना की जा सकती है। जैसे सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना होता है, ठीक है, अंदर रखना होता है। तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, द मिडल वॉइड इज एसेंशियल। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ यानी कि ब्रेथ को छोड़ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, सॉरी सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ मीन्स कि ब्रेथ को रोकना क्या कहलाता है हमारा, वॉइड यानी कि वो एक जीरो शून्य अवस्था हमारी होती है जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। एंड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स द मिडल वॉइड इसेंशियल इज इसेंशियल, लेकिन जो मिडल पार्ट है वो क्या है, इसेंशियल है, ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, यानी कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए जो चाइनीज़ जो लैंडस्केप होते हैं उसके अंदर उस वाइट पार्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यानी कि कोई वो वाइट पार्ट छोड़ते होंगे अपनी पेंटिंग्स के अंदर, तो कहता है कि जिस तरीके से सांस हम योगासन करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और रोकते हैं, ठीक है, तो उसके बीच एक बार हम सांस लेते हैं, फिर हम सांस को रोकते हैं, फिर हम सांस को छोड़ते हैं, तो कहता है कि जो सांस को रोकना का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर जो वाइट पार्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और कहता है कि यही वो प्लेस है जहाँ पर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, एक ह्यूमन बींग को क्या मिल जाता है, एक फंडामेंटल राइट रोल मिल जाता है। रोल फंडामेंटल क्या होता है, हमारा मौलिक जो रोल होता है, ठीक है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ किस ही बिकम्स द कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, वो इस धरती हेवन और अर्थ के बीच में, ठीक है, यानी कि इस धरती और आकाश के बीच में एक मीडिएटर बन जाता है, किस चीज़ का, कम्युनिकेशंस का, बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स के दो पोल हैं हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच में वो एक मीडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट लाइन, हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टिव, फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स ही इज इन फ्रेंकोइस चैंग इज चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। क्या कहता है कि भाई जो ह्यूमन बींग की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, चाहे इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड कि मीन्स चाहे बेशक से वो एक सजेशन ही क्यों ना हो। फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स कि मीन्स कि फार फ्रॉम लॉस्ट ऑफ कि मीन्स कि वो जो ऊंचे ऊंचे जो हमारे पिक्स हैं, जो चोटियां हैं, उनके अंदर उसकी आवाज़ को दब ही क्यों ना जाए, उसकी आवाज़ खो ही क्यों ना जाए इनके बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में भी, फिर भी उसकी जो जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्रेंच को चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, ये फ्रेंकोइस चेंग की कोई बहुत सुंदर एक एक्सप्रेशन है द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है, ठीक है, कि वही जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी आवाज़ जो इन ऊँची ऊँची पहाड़ियों में है उनकी आवाज़ दब जाती है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन बींग्स की जो ज़रूरत है इस अर्थ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए पोइट भी कहता है कि वही चाइनीज़ पेंटिंग्स के अंदर वाइट एरिया की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से सिर्फ इस चैप्टर में क्या बताया गया है, पेंटिंग के बारे में, उसकी जो आर्ट है चाइनीज़ की और जो यूरोप की, उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई यूरोपियन आर्ट्स में ऐसा होता है, चाइनीज़ आर्ट्स के अंदर इस तरीके से पेंटिंग की जाती है, उनकी पेंटिंग्स का क्या क्या मतलब होता है। सो दिस वाज योर चैप्टर, इन द नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन आप यू रीड दिस चैप्टर एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।